आज हम बात करेंगे कैसे करें निफ्ट की तैयारी कई सारे रिक्वेस्ट और कॉल आए और आप सबको जानना था जो आखिर तैयारी तो कर रहे हैं बट इसका तरीका क्या हो कैसे मार्क्स आएंगे कई सारे बच्चे हैं जो दो साल से ड्रॉप आउट कर रहे हैं कई लोग हैं जो एक साल से ड्रॉप आउट है और कई बच्चे हैं जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं बारहवीं के साथ ये तीनों ही बच्चों का मैंने देखा अभी मानसिक स्थिति वो तीनों ही परेशान है जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं उन्हें इस बात की परेशानी है जो एग्जाम में क्या आएगा क्या करना है कैसे करूं और उसके साथ प्री बोर्ड है फिर बोर्ड का एग्जाम है दूसरे बच्चे जो पहली बार एग्जाम के लिए ड्रॉप आउट कर रहे हैं और ये एग्जाम दे रहे हैं उनकी परेशानियां एग्जाम पेपर से ज्यादा इस बात से जो मैं ड्रॉप आउट कर रहा हूं क्या होगा होगा नहीं होगा कैसे होगा इनफैक्ट कई सारे कॉल आए जहां बच्चे काफी इमोशनल हो रहे थे काफी भावुक हो रहे थे जो उन्हें हर एक तरह की परेशानियां हैं इस प्रिपरेशन के लिए एक तीसरे बच्चे थे जिनका की समर्पण इस इस पे है जो वो पिछले दो साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम में बहुत ही अच्छा करना चाहते आप एन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो मैं भी एक छोटे से शहर पटना में के इसकी तैयारी करी थी मैंने भी ड्रॉप आउट करा था ये एक आम सी बात है अगर हम बात करें पटना लखनऊ दिल्ली या ऐसे शहरों में जहां की बच्चों के पास इसकी इंफॉर्मेशन तब तक आती है जब आप बारहवीं पास कर लेते हो तो इन सब सोच और मानसिकता से आपको बाहर आना पड़ेगा अब हम बात करते हैं पेपर में क्या करें पहले हमने मानसिकता की इसलिए बात करी जो आप सबको इससे बाहर आके आप अपने पेपर के लिए अच्छा कर सकते हो तो उसके लिए जिस तरीके का कोई भी अगर आपको लग रहा है जो कोई सपोर्ट चाहिए या कोई परेशानियां है सबकी अलग अलग होगी तो आप हमें कांटेक्ट करें हम आपको इंडिविजुअल लेवल पे मेंटर और गाइड करेंगे जिस तरीके की आपकी परेशानियां हैं उस लेवल पे यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजें आई हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पे अब आते हैं पेपर प्रिपरेशन पे आपका पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड है आप सबको पता है जो आपका गैट है और कैट है कई बार बच्चे बोलते हैं मैं मैथ्स को लेकर बहुत परेशान हूं मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है मेरा रीजनिंग में प्रॉब्लम है ये सारे पोर्शन इंपॉर्टेंट है बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्रिएटिव पार्ट अब सबसे ज्यादा क्रिएटिव आने के बाद बच्चे क्या करते हैं जो वो कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं जो क्रिएटिव में मुझे एनाटॉमी नहीं हो रहा है मेरे से सेटिंग नहीं हो रहा मेरे से स्टिल लाइफ नहीं हो रहा और आप उसी का प्रिपरेशन अब तक कर रहे हो वो अब नहीं करना है तो करना क्या है मार्क्स कैसे आएगा अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको कंटेंट पे काम करना पड़ेगा आपको अपने आइडियाज पे काम करना पड़ेगा वो करिए और हमसे कांटेक्ट करिए हम आपको हेल्प करेंगे तो कंटेंट और आइडियाज पे क्या करें आई इन शॉर्ट में कुछ क्वेश्चन का एग्जाम्पल दूंगा जैसे ट्रैफिक सिग्नल के लिए क्वेश्चन आता है जो दो साल पहले पेपर में आया था तो क्या करेंगे कंटेंट कंटेंट वही होगा सब कोई सिग्नल सिग्नल बनाएगा गाड़ी रहेगा 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 जाम जाम ये बट ट्रैफिक पे किस वजह से हो सकता है वो आपको क्रिएट करना है मान लीजिए वहां से कोई गाय गुजर रही है वहां पे दो साइड एक रॉन्ग साइड से कोई गाड़ी आ गया उसकी वजह से हर कोई हॉर्न बजा रहा और गाड़ी रुक गया तो आपको ऐसे सोच लाने ऐसे आइडियाज लाने उसके लिए आपको नंबर मिलेंगे क्रिएटिव पोर्सन में अब आप बोलोगे ये पोर्सन ही क्यों क्योंकि इसी में आप ज्यादा लाओगे तब तो कट आएगा। लास्ट का कट था, तो कट जो भी रहना है आउट ऑफ एटी उसको उसको अच्छे स्कोर लाने के लिए इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट जो आप ड्रॉइंग पार्ट पे काम करो एप्टीट्यूड पे ऑब्वियसली आपको काम करना है लगातार पेपर सॉल्व करिए बट अगर दिन में आप आठ घंटे की तैयारी कर रहे हो या पांच घंटे की कर रहे हो तो सेवेंटी परसेंट पार्ट टाइम आपका क्रिएटिव के लिए होगा आप हमसे कांटेक्ट करिए आप हमारे बिलो लिंक पे जाइए आप अपने कमेंट मेंशन करिए हम आपको जिस तरीके का भी हेल्प होगा हम आपको हेल्प करेंगे इस प्रिपरेशन में बस ध्यान रखिए जो आपको अपने क्रिएटिव पार्ट को बहुत ही स्ट्रांग करना है आइडिया वाइज क्वालिटी प्रेजेंटेबल हो इट्स मोर देन इनफ आइडियाज काफी स्ट्रांग होगा और उसके लिए आप हमसे फीडबैक ले सकते हैं थैंक यू सो मच